हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की कंपनी ला या फिर कंपनी ला सेक्रेटरी प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही थी। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कंपनी सचिव होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, कौन होता है, किस तरह से उसको नियुक्त किया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, कंपनीज मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी की सभाएं। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके 3-4 पार्ट आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी उसमें से डेफिनेट आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो एक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि काइंड्स ऑफ मीटिंग, क्योंकि एक कंपनी होती है, कंपनी को जब चलाया जा रहा होता है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, उसमें बहुत से लोग हैं, तो एक से दूसरे व्यक्ति तक अपने जो भी एजेंडाज हैं या जो भी चीज़ों पर डिसीजन लेने हैं, जो भी प्रस्ताव रखने हैं, उन पर चर्चा हो करके एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचना है, तो उन सबके लिए आपस में मीटिंग की जाती हैं, सभाएं की जाती हैं, लोगों को एकत्र किया जाता है, सब मिलते हैं और मिल करके उस पर डिस्कशन होता है, चर्चा किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, मीटिंग या सभाएँ कहलाती हैं। और जब बात कर रहे हैं कि कितने तरह की होती हैं, क्योंकि एक कंपनी में बहुत तरह के होते हैं, अंशधारी होते हैं, प्रबंध संचालक होता है, संचालक होते हैं, तो उन सब की अलग अलग सभाएं होती हैं, तो उसको ही अलग अलग डिफाइन किया गया है, जैसे कि क्या कहते हैं, काइंड्स ऑफ मीटिंग कहा जाएगा। कितने टाइप की रहती हैं ये देखें, सदस्यों की जो मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स होंगी, संचालकों की जो कंपनी को चला रहे हैं डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग्स होंगी, ऋणदाता जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स होती है। तो सदस्यों की मीटिंग्स की बात करें तो दो तरह की दे रखी हैं, एक होती हैं नॉर्मल मीटिंग्स जो होती हैं सामान्य सभाएं, और दूसरी होती हैं वर्ग सभाएं अथवा पूर्वाधिकार अंशधारियों की बैठकें। जो सामान्य सभाएं हैं उनको भी दो पार्ट में, एक होती है एनुअल मीटिंग और दूसरी हो जाती है असामान्य, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर इनकी बैठकें जो होती हैं वो असामान्य हो जाएंगी। संचालकों की जो है तो एक हो जाती है जो मंडल की बैठकें होती हैं, और दूसरी होती है एक जो कमेटी होती है बनती है उनकी बैठकें। फिर आ जाता है ऋणदाताओं की बैठकें, तो ऋणपत्रधारियों की बैठकें होती हैं, और समापन पर ऋणदाताओं व अंशदानकर्ताओं की बैठकें होती हैं। तो इतनी तरह की मीटिंग्स होती हैं, इन्हीं को ही हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है किसकी बैठकें आ जाएंगी, जो अंशधारी होते हैं, जो क्योंकि सदस्यों की बात हो रही है, सदस्य कौन होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही तो सदस्य होते हैं ना। तो आइए देखें सबसे पहले इनके बारे में, अंशधारियों की बैठकें, मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो वार्षिक सामान्य बैठक या फिर असाधारण बैठक, क्योंकि आपने पढ़ा था दो तरह की होती हैं, सामान्य की पहले बात हो रही है, ये अधिकार सर्वोच्च होते हैं, इनके आगे आपको समझाया जाएगा कि डिटेल में, यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा उन्होंने समझा दिया है। फिर आ जाता है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, जो कंपनी के सामान्य व्यापार के संबंध में नीतियाँ निर्धारित होती हैं कि किस तरह से कंपनी अपना बिजनेस को चलाएगी, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो मैनेजमेंट उस पर निर्णय लेता है, नियंत्रण करना होगा या जो कंट्रोलिंग होगी, वो सारी बैठकें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। फिर समिति की बैठकें, मीटिंग्स ऑफ कमिटीज, जो मंडल द्वारा कुछ समितियां बनाई जाती हैं उनका गठन किया जाता है व्यवसाय को चलाने के लिए, तो जैसे कि अलग अलग समितियां होती हैं, इन्होंने अंकेक्षर समिति है, नामांकन व पारिश्रमिक समिति है, वाहितधारी संबंधी समिति है, तो अलग अलग समितियाँ बनाई जाती हैं, तो ये समितियाँ ही क्या करती हैं, इनकी बैठकें अलग अलग होती हैं। फिर आ जाएगा वर्ग की बैठकें, क्लास मीटिंग, वर्ग की बैठकें किसी विशेष वर्ग के सदस्यों के अधिकारों तथा सुविधाओं के परिवर्तन करने के लिए या उनकी सहमति प्रदान करने के लिए बुलाई जाती हैं। तो इसमें आ जाएंगी पदाधिकार अंशों पर जो लाभांश की दर कम करने व पदाधिकार अंशों के धारकों की बैठकें होती हैं, ये सब आ जाएंगी। जो कैटर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स जो होती है, तो इसमें भी दो तरह के, एक पत्रधारी होंगे या फिर कंपनी के ऋणदाता जो होते हैं, इन दोनों की मीटिंग्स बुलाई जाती है। तो इन्होंने यहाँ पर समझाया है डिटेल में कि कितने तरह की होती हैं। फिर आ जाएगा कि अब आते हैं यहाँ से मेन जो आपका स्टार्ट हो रहा है कि कौन कौन सी होती हैं। तो पहला जो इसमें आएगा मंडल की बैठकें, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग्स में जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि जो कंपनी का प्रबंध संचालक होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैंने आपको जैसे डॉम पढ़ाया था उसके बारे में कि जो प्रबंध संचालक होते हैं कौन होते हैं, किस नियुक्त होते हैं, क्या उनकी योग्यताएं हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, तो कंपनी का जो प्रबंध होता है वो संचालकों के हाथों में होता है, जिसमें से एक प्रबंध संचालक होता है। संचालक अंशधारियों द्वारा निर्वाचित उनके प्रतिनिधि तो होते हैं, परंतु कुछ दशाओं में अन्य पक्षकारों तथा सरकार की ओर से भी संचालक नामांकित किए जा सकते हैं।
होते हैं डायरेक्टर्स वंशधारियों के द्वारा ही जो निर्वाचित होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी सरकार या फिर जो अन्य पक्षकार होते हैं वो भी कुछ संचालकों को नियुक्त कर सकते हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इनकी जो मीटिंग्स की अगर बात करें कि कितनी तरह की होती हैं, तो जो भी शक्तियां कंपनी के पार्षद सीमा नियम अंतरनियम संचालकों को देते हैं उनका प्रयोग मंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित करके ही किया जा सकता है। प्रस्ताव पारित करना है तो संचालक मंडल की क्या होगी, मीटिंग बुलाई जाएगी, बैठक बुलाई जाएगी, जैसे कि एक महीने में एक या दो बार बुलाई जाती है। प्रत्येक वर्ष मंडल की कम से कम टोटल जो होंगी वो 4 बैठकें बुलाई जानी आवश्यक होती हैं, तथा 2 जो बैठकें होती हैं उनके बीच 120 दिन के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 120 दिन के अंदर दूसरी मीटिंग को बुला लिया जाता है। मिनिमम दे रखा है कि 4 है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आवश्यकता पर उनकी, और 120 दिन से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 120 दिन मतलब एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो 4 महीने के अंदर एक बैठक होना कंपलसरी है। फिर आ जाएगा कि विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार इसमें कोई छूट भी दे सकती है। एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी व जो निष्क्रिय कंपनी में एक कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक अर्ध भाग में संचालक मंडल की एक बैठक होनी चाहिए, तथा 2 बैठकों में 90 दिन से अधिक का अंतराल होना चाहिए। यहाँ पर जो छूट दी गई है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी और निष्क्रिय कंपनी को दी गई है। अब होगा कि जो नोटिस दिया, क्योंकि जब बैठक बुलाई जाएगी तो संचालक होंगे काफी, तो सबके पास क्या होगा, नोटिस भेजना होगा। तो नोटिस भेजने के लिए क्या करते हैं कि कंपनी के अंतर नियमों में निहित नियमों के अनुसार मंडल की बैठक बुलाने के संबंध में प्रत्येक संचालक को 7 दिन पूर्व की सूचना दी जाती है। ये सारी डेज ध्यान में रखिएगा, कहीं पर 21 दिन पूर्व होगा, कहीं पर 14 दिन होगा, कहीं पर 7 दिन होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 7 दिन के पूर्व की सूचना दी जानी चाहिए। यदि अंतर नियमों में बैठक के बुलाने जाने की तिथि निश्चित है, तो उदाहरण हर महीने की पहली व 16वीं तारीख को ही बैठक बुलाई जाती है, तो वहां पर आवश्यक नहीं हो, क्योंकि पहले ही निर्धारित कर दी गई है डेट, तो क्लियर है आपको, तो वहां पर क्या होगा, सूचना देना आवश्यक नहीं। लेकिन जब पहले से निर्धारित नहीं है तो वहां देना आवश्यक है। लेकिन क्या होता है कि व्यवहार में नॉर्मली सूचना दी जाती है। सूचना के साथ साथ उस बैठक में किए जाने वाले व्यवहारों की कार्यसूची, एजेंडा, जो कार्य किए जाने, क्वेश्चन ये भी आता है एजेंडा क्या होता है। एजेंडा क्या होता है कि जो बैठक होगी उसमें जो भी कार्य किए जाने वाले हैं उसकी कार्यसूची जो होती है वो एजेंडा होती है, कहलाती है, जिसमें उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स दे रखी होगी। बैठकों की सूचना में तिथि, समय तथा स्थान का विवरण भी होता है। अत्यावश्यक कार्य के लिए कम समय का नोटिस भी दिया जा सकता है, या ऐसी इस बैठक में एक स्वतंत्र संचालक का उपस्थित होना आवश्यक है। अगर आगे जो बता रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व अन्य श्रुति व दृष्टि यंत्रों के माध्यम से भी हो सकती है, यानी कि जैसे कि कोविड का टाइम ही था तो सब लोग का पॉसिबल नहीं था एकत्र हो पाना, तो वहां पर क्या था क्योंकि गूगल मीटिंग्स के थ्रू हुआ था जो भी बातचीत होती है, या अभी तक की मीटिंग्स वगैरह बहुत सी ऐसी जगह पर हैं गूगल मीट के थ्रू करते हैं, क्योंकि मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता दूरी की वजह से कभी कभी, या कोई विदेश में बैठा है वहां से एक बात हो रही है तो गूगल मीट के थ्रू ही बात कर लेते हैं। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बात की जा सकती है, मीटिंग्स की जा सकती हैं, परंतु वार्षिक वित्तीय विवरणों का अनुमोदन व मंडल की रिपोर्ट का अनुमोदन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो ऑडियो वीडियो से रिलेटेड है उसके माध्यम से नहीं किया जाएगा, उसके लिए एक नॉर्मल जो मीटिंग्स होती हैं वही की जाएंगी। अब आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंडल की बैठक के लिए गणपूर्ति अथवा कोरम, कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग्स। तो ये कोरम या गणपूर्ति क्या है, आगे अलग से भी मैं आप इसी में ही चैप्टर में डिटेल में भी दे रखा है, वहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने सदस्य, यानी कि संख्या कितनी उपस्थित होनी चाहिए उस मीटिंग को बुलाने के लिए या वहाँ पर कोई प्रस्ताव पारित होने के लिए। तो प्रत्येक बैठक में संख्या में निर्धारित व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए, अर्थात प्रत्येक बैठक में कोरम होना चाहिए, यानी कि जितने उपस्थित सदस्य होते हैं वही संख्या क्या कहलाती है, कोरम या गणपूर्ति। तो वो डिसाइड की जाती है कि 3/4 होगी या 1/4 होगी, अभी आगे हम देखेंगे। गणपूर्ति में अभिप्राय सदस्यों की उस न्यूनतम संख्या से है, चाहे व्यक्तिगत रूप से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जो बैठक में उपस्थित होने चाहिए, जिनकी उपस्थिति के बिना बैठक में कोई भी व्यवहार नहीं किया जा सकता। मंडल की प्रत्येक बैठक में सदस्यों की न्यूनतम संख्या अर्थात कोरम बैठक के आरंभ से लेकर अंत तक बना रहना चाहिए। अगर 6/20 से जाते हैं तो वहां पर भी माना जाएगा कि कोरम पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर क्या कोरम होता है, तो संचालकों की जो कुल संख्या होती है का 1/3 भाग, यानी कि 1/3 जो होगा उसको
अथवा दो संचालकों को इनमें से जो भी अधिक होगा कोरम माना जाता है। तो कोरम क्या होगा, जो वन थर्ड होता है उसको कोरम माना जाएगा। यहाँ से क्या होता है कि संचालक मंडल की जो बैठकें होती हैं वो होती हैं, उसमें आपने समझ गए हो कितने दिन पहले जो दिया जाती है सूचना, क्या बैठक की सूचना में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से होती हैं, और साथ ही गर्भवती अथवा कोरम क्या होता है। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि अंशधारियों की जो बैठकें होती हैं मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स वो क्या रहती हैं, तो दो तरह की होती हैं, वार्षिक सामान्य बैठक होती है और एक असाधारण सामान्य बैठक होती है। तो वहाँ पर कि जो कंपनी अधिनियम 2013 में वैधानिक बैठक स्टेटरी मीटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पर ये दो ही मेन दे रखी हैं, वार्षिक सामान्य बैठक और असाधारण सामान्य बैठक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक व्यापक या एनुअल जनरल मीटिंग काफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संचालकों की तो आपने समझ ली, अब आ जाती है अंशधारियों की मीटिंग। एनुअल मीटिंग में क्या रहेगा कि बैठक का समय व अंतराल की सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कितने, जैसे कि संचालकों में था 120 दिन का टाइमिंग था, या विशेष दशाओं में जब केंद्र सरकार दे रही थी अनुमति तो 90 दिन का अंतराल का था। यहाँ पर क्या है कि धारा 96 जो है उसके अनुसार किसी प्रकार की बैठक के अतिरिक्त प्रत्येक कंपनी को, यहाँ पर एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़ा गया है, एक वार्षिक सामान्य बैठक बुलानी होती है। कंपनी की पहली वार्षिक सामान्य सभा कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के लेखे बंद होने के 9 महीने के अंदर बुलाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो टाइम लिमिट दे रखी है, तो एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि पहली वार्षिक सामान्य सभा की बात हो रही है कि जब कंपनी गठित करी गई है, उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट एनुअल मीटिंग होगी, वो कंपनी के जो पहला फाइनेंशियल ईयर है उसके कंप्लीट होने के अंदर 9 महीने के अंदर ही हो जानी चाहिए, यानी कि पहले की पहले में एक वर्ष के अंदर उस मीटिंग को बुला लेना होता है। बाद की वार्षिक बैठक कंपनी का वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात 6 महीने से अंदर अंदर बुलाई जानी चाहिए। उसके बाद जो मीटिंग होंगी उनके लिए क्या टाइमिंग दे रखा है, 6 मंथ का दे रखा है। विशेष कारणों के आधार पर, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग को छोड़ देना है, बाकी की बात हो रही है कि रजिस्ट्रार बैठक बुलाए जाने के लिए 3 महीने तक का और अधिक समय दे सकता है, यानी रजिस्ट्रार चाहेगा, क्योंकि रिपोर्ट सबमिट की जाती है, इसलिए रजिस्ट्रार चाहे तो 3 महीने को एक्सटेंड भी कर सकता है टाइम लिमिट को। दो बैठकों के बीच का जो अंतर होगा वो 15 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। वार्षिक व्यापक बैठक कार्य के दिन, यानी कि कोई भी नेशनल हॉलीडे नहीं हो, तथा कार्य के घंटों में प्रातः टाइमिंग जो दे रखी है 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच में कभी भी बुलाई जा सकती। कहाँ बुलाई जाएगी, कंपनी के जो पंजीकृत कार्यालय रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसके स्थान पर ही, वहीं पर ही बुलाई जाती है। अब आ जाता है नोटिस। तो नोटिस होगा क्योंकि जो सदस्य होते हैं अंशधारी हैं उन तक पहुंचाने के लिए कम से कम 21 दिन की, उसमें कितनी थी, उसमें 7 दिन की थी, यहाँ पर 21 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है, जो कि लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाएगी। ऐसी बैठक कम समय के नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है। अगर कम से कम 95% जो वोट होंगे, जो सदस्य हैं उसके लिए सहमत हो जाते हैं तब। तो यहाँ पर कितना टाइम लिमिट है, 21 दिन, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो वार्षिक साधारण सभा होती है उसके लिए सूचना कितने दिन पहले देनी चाहिए, 21 दिन पूर्व के लिए देनी चाहिए, और जो सामान्य संचालकों की थी 7 दिन की थी। फिर आ जाएगा यदि कोई वार्षिक सामान्य बैठक नहीं बुलाई जा रही है, तो ऐसी दिशा में जो ट्रिब्यूनल होता है ये अधिकार होगा कि वह किसी सदस्य के आवेदन पर कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक बुलाए जाने का आदेश जारी कर सकता है। बैठक नहीं बुलाए जाने पर कंपनी तथा उससे प्रत्येक अधिकारी जो होगा उसको 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट होती है एनुअल मीटिंग, अगर नहीं बुलाई जा रही है तो वहां पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि यह त्रुटि जारी रहती है तो प्रत्येक अधिकारी पर 5,000 रुपए तक का प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना, यानी कि पर डे के अकॉर्डिंग 5,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये आपका क्वेश्चन आया होगा कि किसको अधिकार है, क्योंकि जुर्माना उसी व्यक्ति पर लगेगा जो बुलाएगा, तो किसको अधिकार होता है वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने का। तो प्राय कंपनी के जो अंतर्नियम संचालकों को सदस्यों को किसी भी प्रकार की बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान करते हैं। सदस्यों की व्यापक बैठक बुलाने का प्रस्ताव एक यथाविधि गठित संचालक मंडल की बैठक में पारित किया जाना चाहिए। तो कौन बुलाता है, जो संचालक होते हैं या फिर जो सदस्य होते हैं उनको अधिकार होता है। फिर आएगा कि वार्षिक व्यापक बैठक में किया जाने वाले कार्य, कौन से कार्य ऐसे होते हैं जो इसमें किए जाते हैं, जैसे कि
जो संचालकों की थी उसमें क्या था, व्यापार को बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जो नीतियां हैं पॉलिसीज हैं वो डिसाइड की जाती हैं। इसमें क्या रहता है, क्योंकि जो अंशधारी होते हैं कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, ओनर्स होते हैं, तो उनको पूरी तरह से क्या होता है कि स्वामी होने के रूप में सदस्य अपने अधिकारों व सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार एकत्रित होते हैं। यदि वार्षिक व्यापक बैठक नैतिक अथवा बार बार होने वाली घटना है पर इसका बहुत महत्व है। वार्षिक व्यापक बैठक की में कंपनी के वार्षिक खाते और अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, तो जो ऑडिट किया जाता है उसकी जो रिपोर्ट होती है वो एनुअल मीटिंग से होती है उसमें ही प्रस्तुत की जाती है, जिससे कि जो कंपनी के सदस्य हैं जो कंपनी के एक्चुअल में ओनर्स हैं उनको ये पता चल सके कि कंपनी किस तरह से चल रही है, कैसे उसके कार्य किए जा रहे हैं, क्या कंपनी की वित्तीय स्थिति है। इसीलिए कंपनी के जो वार्षिक विवरण हैं वो भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जो आपका फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं वो होते हैं, साथ ही ऑडिट की रिपोर्ट होती है, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि हाँ कंपनी सही ढंग से है। अगर क्लियर नहीं है यानी कि ऑडिट रिपोर्ट ऐसी है जो क्वालिफाइड नहीं है या क्वालिफाइड किस तरह से है रिलेटेड, उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कंपनी की स्थिति क्या है, क्योंकि उनको जानने का पूरा राइट होता है, क्योंकि उनका पैसा जो होता है वो लगा होता है कंपनी में ना, उन्हीं के पैसों से कंपनी चल रही है, उनको जानने का पूरा राइट होता है। सारांश होता है वो भी इसी बैठक में घोषित होगा तथा संचालकों तथा अंकेक्षकों की नियुक्ति भी इसी बैठक में ही होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एनुअल मीटिंग होती है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा। फिर आ जाता है जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, सामान्य व्यवहार होते हैं, तो प्रत्येक कंपनी को वार्षिक बैठक में सदस्यों के साथ के समक्ष जो होगा संचालकों की वार्षिक रिपोर्ट है, खाते हैं, अंकेक्षक की रिपोर्ट होती है वो रखनी होती है, 21 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, सदस्यों के पास नोटिस भेजा जाता है, और इसमें जो बिजनेस के कार्य होते हैं कौन से होते हैं, सामान्य व्यवहार होते हैं, संचालक मंडल की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन होगा, वार्षिक खातों का स्वीकरण होगा, यानी कि देखा जाएगा कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनकम एक्सपेंस जो बनाया जाता है अकाउंट वो रहेगा, वार्षिक खातों के संबंध में जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, अवकाश ग्रहण करने वाले संचालकों के स्थान पर नए संचालकों को नियुक्त किया जाएगा, जो अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण होगा, और साथ ही लाभांश की घोषणा यदि कोई हो तो ये सारे काम जो होते हैं वो कहाँ होंगे, एनुअल मीटिंग्स में होते हैं, किसकी, जो सदस्यों की होती हैं, अंशधारियों की होती हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है विशेष व्यवहार, स्पेशल बिजनेस कौन सा रहता है, कि जो छः आपके दे रखे हैं इनके अलावा जो काम होते हैं अगर किसी व्यवहार को किया जाता है तो उसे विशेष व्यवहार कहा जाता है। इसमें जो वार्षिक सामान्य बैठक के अतिरिक्त अन्य किसी भी सामान्य बैठक में किए गए व्यवहार को विशेष व्यवहार माना जाएगा। ये ध्यान देने योग्य है कि विशेष व्यवहार को भी एक सामान्य प्रस्ताव पारित करके किसी भी सामान्य बैठक में किया जा सकता है, इसे वार्षिक सामान्य बैठक भी शामिल है, परंतु ये अति आवश्यक है कि सदस्यों को उस विशेष व्यवहार के संबंध में जो अधिनियम में निहित नियमों के अनुसार नोटिस दे दिया जाए, यानी कि नोटिस भेजना होगा विशेष व्यवहार के लिए। तो जो इसके अलावा जो छः काम हो रहे हैं, इसके अलावा जो काम होते हैं, तो जो वार्षिक सामान्य बैठक होती है उसके अतिरिक्त कोई भी सामान्य बैठक में किए जा सकते हैं, कोई भी सामान्य बैठक में हो सकते हैं, और अगर आवश्यकता हो तो उसे वार्षिक साधारण जो बैठक होगी वहां पर भी किया जाएगा, लेकिन जो नोटिस दिया जा रहा है उसमें इसका पूरी तरह से डिटेल दे रखी होगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि वार्षिक साधारण सभा क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि संचालकों की रिपोर्ट, जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है वो क्या रहेगी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट में इसके आगे, और साथ ही जो हमने सामान्य बैठक पढ़ ली है असामान्य बैठक जो होती है उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में इसके पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती हैं संचालकों की सभाएं और क्या होती हैं अंशधारियों की सभाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।